विश्वकर्मा और इस पार्टी के हमारे मैनेजर साहब, ये रहे शिवाकांत राजपूत और इस पार्टी के हमारे मैनेजर साहब, ये हैं रामजीवन टेलर लाखन का गाना उर्फ बूंदीगढ़ की लड़ाई। यानी जिसे अपने मामा को नहीं बख्शा तो क्या मौसी को छोड़ देगा? नहीं, यह बात तो सही है, कहाँ छोड़ रहे हैं, लेकिन अब जैसे घर में रखे हो तो कुछ काम तो लेबे करी हो। अरे काम सुनो, मेरी बात को कहिए। आज चलती चाहिए ना करे तुम महलो कहीं। दरबार से चिट्ठी लेके आओ, पहले जो मैं कहूंगी वही तुम्हें लिखना होगा, पत्र लेके आओ। दरबारी कहे माता जी, चलो लिखने की करो तैयारी। बताइए माता जी। हाय, सात कदम से तिल का पियाला दे, क्या लिखा है? लिख गया। और सुनो मेरी बात को, जो मैं कहती हूँ। अरे काला दुखो समझी तुम बूढ़ी मई, जो बूंदी मई, पानी पियो समझी जो बूंदी में, समझी पियो गौआ कई खून। सो समझी जो बूंदी मई, लिख दिया। और सुनते हो क्या लिखा है? आए गौन लेन को जो उधर आवे, आए गौन लेन को उधर आवे, सब दी हुआ पैदे करवाए। और जानते हो और क्या लिखना है तुम्हें? मैं बता रही हूँ ना, बताओ। वो हम यानी उदय रात तुम अमिला तुम्हारी रहो, हम लिखत रहे। उदय रात तुम्हारी बेटी का गौना लेने आ रहे हैं, तो सुनो क्या करेंगे। हाय तुम्हारी दबाद कई कैदम राखी, लाखन बेटा पे कैदम राखी सी, घोल ली थी रहा दिल वाले।
ये चिट्ठी पे अपनी मोहर लगा दो और ये चिट्ठी बूंदी को पहुंचाना है तुम्हें। मोहर लगा दी? हाँ, तो बड़ी मांग महंगी हमारी। अरे मोहर लगा के तब तो मानेंगे कि दरबार से चिट्ठी आई है वहां से। हाँ हेलो, हेलो हेलो, ये क्या कर दिया तुमने? एक डबल मोहर? यू तो मामला सन 2014 है गवा। अरे तो बदतमीज हो, फिर से लगाइए। दूसरी वाली लगाओ। लग गई अब पूरी मोहर भाई जी। हाँ हाँ, अब तो बहुत अच्छी है। पूरे अच्छर पीले हैं। अरे पीले नहीं, पूरे अक्षर हो गए। हाँ, तीनों अक्षर हो गए। अब जाओ जाओ, आज चिट्ठी भेज दो नौकर बूढ़ी कई। नौकर बूढ़ी के, नौकर बूढ़ी कई, अरे जल्दी चिट्ठी देव पहुंच जाए। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? एक दूसरी चिट्ठी और तुम्हें ले जाना है। हाँ, पहले चिट्ठी जो अब मैं बताऊंगी वही देना है। या पहले गई? ये दोबारा जाएगी। अच्छा, पहले वाले चिट्ठी जानते कौन? हाँ हाँ, हाय समझी मेरे काम सहज। अरे भेज बहुया दऊद ले सगो, अरे भेज बहुया दऊद ले सगो, अरे सब दिन तुम नहीं थगे। ये तुम्हारी संदन आज उदयराज को तुम्हारे वहाँ गौना लेने के लिए भेजा है। ये चिट्ठी पहले तुम्हें देना है। या पहले दे? हाँ, और उसके बाद वाली बाद में? पहले वाली बाद में देना दोबारा। ये चिट्ठी पहले, पहले ले वाली पहले और दे वाली बाद। कितने पत्ती में हो तुम्हें तो कहती हो? जो मैंने पहले चिट्ठी लिखी वो बाद में देना दोबारा। अच्छा, और जो बाद में लिखी वो पहले देना तुम्हें। हाँ जी, यह बात तो हम हो कहे थे, जो पहले लिहेन है वह बाद में दिया, जो बाद में लिहेन वह पहले दिया। हाँ ये बात है, वह है यह बात है। ठीक है ठीक है। हाय चले जाओ नौकर तुम बूंदी कहीं, ये चिट्ठी तुम्हें ले जाना, तब तले मैं दरबार को जाती हूँ। जाओ माता जी। ठीक है ध्यान से जाना। आप बताओ मामला बड़ा गड़बड़ा है। हेलो हेलो, तो सूर सती ने हेलो हेलो हेलो, अब यह काम दे भैया, चिट्ठी तो हमका लेकर जाहे परी, और चिट्ठी या पहुंचाए न मनो जान ले उदय राज के कजा आएगा। गौना तो उदय दिया है, लेकिन जब द्वासर पहुंची जाए तो जान ले वो क्यों हम पेरे जी हैं। ठीक है भाई, अब चिट्ठी तो हमका लेकर जाए है परी, अब हम चिट्ठी लेकर जा रहे हैं फिर ऊपर उड़ जाने उनका जाने काम। भगवान अरे
गोपाल की कहो द्वारपाल कहे दादे इस समय आपके आने का इंतजार कर रहे थे दादाजी तुम ना जाते अरे कुरसी के ऊपर कुरसी लगा लाए द्वारपाल कहिए दादाजी कहा मेरी कचहरी लगी नहीं अरे दादाजी आपकी कचहरी लगी है क्या लगी है लगी है अरे आपका आने का इंतजार कर रहे थे दादाजी इसके पहले बहुत होशियार हो द्वारपाल तुमने आपकी कचहरी लगा दिया था लगा दिया है हाँ दादाजी अरे हम तो बैठक हन बैठक मा द्वारपाल कहिए दादाजी मैं अपने बैठक में बैठा हूँ और मेरे जान पर तो सूरज को फोन क्यों क्यों नहीं दादाजी अगर पैदा नहीं होता है तो कचहरी हमारी सोनी लगती है क्यों नहीं दादाजी जाओ फोन करो हेलो 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 अरे तुम्हारे दादाजी ने आपको दरबार में याद किया है बहुत अच्छी बात द्वारपाल अरे लईगा उठाए यार लईगा उठाए पिता से जन्म मिलो की रूप दीन भगवान
पर जय गोपाल की द्वार पर ये बताओ साले चिमगोदर की औलाद कहिए दादाजी जब मैं दरबार में आता हूँ हाँ? आप कहाँ मर जाते हो अरे दादाजी ये तो जानते हो क्योंकि हम दरबार में अकेले नौकर हैं हाँ दरबार और इस समय दादाजी दरबार में बैठे हैं और ये तो जानते हो जब दादाजी दरबार में होते हैं तब हमका कहाँ छुट्टी मिलती बहुत अच्छी बात दरबार ये बता हमारे दादा श्री दरबार में विराजमान ठीक है दरबार आप इसी गेट की ड्यूटी करिएगा और मैं दादाजी के दरबार जा रहा हूँ जैसे क्या है दादाजी ठीक है दरबार और सातों कदम से दादा करो पे लगवा खेलने के लिए गया था इसीलिए दादा लेट हो गया हूँ अरे लड़ो अगर तुम जानते कि जब कचहरे में बेटा नहीं आता है सच्ची बात है दादा बहुत अच्छी बात है दादा मैं जानता हूँ कि हमारे पिताजी दरबार में हैं और उनका बेटा ना आए तो इस समय क्या तकलीफ होगी हमारे दादा को यही बात है इसलिए मैंने तुमको फोन कराया मेरे बेटा को बुलाया जाए बहुत अच्छी बात दादा चलो बंगले में बैठो दादा अरे बैठो मौज करो बंगा लामा आपका हो मैं आपके चेहरे पर उदासी देख रहा हूँ क्या मेरे चेहरे पर तो उदासी कोई नहीं है दादा उदासी हो जाते हैं जब बेटा महल में नहीं होता है दादा मैं उदासी का कारण आपसे पूछना चाहता हूँ दादा श्री कहो क्या कहना चाहते हो अरे तातो राजा अरे दादा अरे कातो राजा दादा कोई चढ़ी आवा अरे कातो मेरे बात को सुनो अरे जो तो कलवी सूरजा अरे
सूरज तुम ज्यादा बोलने में कोई काम चाहते लड़ने वाला नहीं, अगर कोई बोली बोलेगा तो काम सा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छी बात दादा, अगर जब मेरा बेटा सूरज बलवान है हाँ, अगर उससे कोई टक्कर लड़े तो मैं लड़ूंगा। दादा कहो बात सुनो, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं गुस्सा मैया का अरे लाल नहीं, क्या बात है बोलना कि मैं गुस्सा मैया का लाल नहीं, जो छूने मैया का लाल नहीं, जो हवा से डर जाएंगे और उस छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मेरा ये छत्रों का बल है। हाँ दादा।